कुछ समय पहले तक मैं मशीन बनना चाहता था क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी भावनाएं मेरे काम करने के आड़े आती हैं, पर अब मैं समझता हूं कि ऐसा शायद इसलिए था कि मेरा सारा ध्यान बुरी कहानियों की तरफ था भाई, जिसे मुझे सुलझाना है। पर उसी के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम अपना कुछ ध्यान अच्छी कहानियों की तरफ दें, ताकि हमें पता लगे कि दुनिया में बुराई के साथ साथ अच्छाई भी है। और ऐसी ही एक कहानी टिमटिम की है। टिमटिम जिस कॉलोनी में रहता था वहाँ के बच्चे उसके साथ खेला करते थे, और एक दिन उन्होंने देखा कि टिमटिम खेल नहीं रहा, और ध्यान देने पे पता चला कि उसके पैर में चोट लग गई। उन्हीं बच्चों में से एक के बड़े भाई थे कुशाग्र जी, जो उसे यहाँ लेके आए। क्लिनिक में जब उसका चेकअप हुआ तो पता चला कि उसकी आगे वाले टांग में नर्व डैमेज है। उसकी हम रेगुलरली फिजियो करते रहे और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गया। टिमटिम फार्म के सभी लोगों के साथ घुल मिल गया और बहुत ही कम वक्त में वो सभी का प्यारा बन गया। टिमटिम को हमेशा लोगों की कंपनी में रहना पसंद आता था। जब वो रिकवर हो गया तो मैंने सोचा कि मैं उसे अपने रूम पे रख सकती हूँ, क्योंकि इससे क्लिनिक में जगह बन जाएगी दूसरे एनिमल के लिए भी, और मुझे पता था कि वो जल्दी अडॉप्ट भी हो जाएगा। सो टिमटिम बहुत ही शरारती कैट था शुरुआत से ही। जैसे ही मैं रूम पे आती थी काम से तो वो मेरे पीछे पीछे दौड़ता था, और काम करती हूँ कुछ भी तो मुझ पे आके बैठ जाएगा, मेरे लैपटॉप पे बैठ जाएगा। वो तो नेचुरली ही बहुत प्लेफुल था, तो उसे खिलाने में भी बड़ा मजा आता था। हमें गुड़गांव से रेखा जी का फोन आया टिमटिम के अडॉप्शन के लिए, और उनसे बात करके हमें वो टिमटिम के लिए बिल्कुल परफेक्ट मिला। हमारी दोस्त सुकृति जो हमारे साथ वॉलंटियर कर रही थी उसी दौरान दिल्ली वापस लौट रही थी, और उन्होंने टिमटिम को उसके फॉरएवर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। फेसबुक का चैनल है, वहां से पता चला एक टिमटिम, तो उसके टाइम दिमाग में रख लिया था कि हाँ चलो यार टिमटिम को हमें अडॉप्ट करना है। एक का नाम रैबी है मेरी रैबिट का, रैबी, और दूसरे का नाम रोबिन है। वैसे तो हम क्या करूँ रोबी कहते हैं, फर्स्ट डे तो वो मतलब बैड किंग के छुप गए, और बैड किंग के निकले भी नहीं, और ना उन्होंने कुछ खाया ना कुछ किया। रोबी और ये लोग मेरे साथ काफी कंफर्ट रहते हैं, मतलब रोबी ऐसा है कि अगर जहाँ टिम टिम वहाँ रोबी, एक फैमिली मेंबर की तरह घुल मिल गई हमारे घर में फर्स्ट डे ही आते हुए। पहले दिन आते ही इन्होंने हम सबका दिल जीत ही था। देखिए ऐसी ही कहानियां हैं जो मानवता में हमारा विश्वास बनाए रखती हैं, तो इसे आगे जरूर पहुंचाइएगा।